यह तो क्या मीर रे बना थी। हाँ क्या है कि जानी सलाई को दिखाते हैं कि चावल का क्वालिटी कैसा है। दिखाओ भाई सामने से। आप सभी का मेरे इस दिल से बहुत ज़्यादा करके स्वागत है और उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बिंदास और एकदम झकास होंगे। तो आज हम जा रहे हैं राशन लेने के लिए। यही है मेरा राशन कार्ड जो झारखंड सरकार वाला है, और ये है मेरा थैला, इसमें मेरा बोरा कुछ है नहीं। अरे बोरा दे। ओ ये वाला जो थैला दिख रहा है ना, ये वाला थैला, इसमें है बोरा। दे पैसा दे, पैसा उठा ले। अभी पैसा देगी मेरी माँ मेरे लिए 10 पीस बढ़ाए देना। हाँ मेरी माँ मुझको 500 रुपया दी है, उसमें से मैं 150 रुपये का तेल भरूंगा और 50 रुपये बचेगा। उसमें से मेरा एक दोस्त को लेकर जा रहा है, वो थोड़ा सा खाने खोजता है और हमको चूना लगाता है, इसलिए उससे 85 रुपये चूना लगाए। चूना हम लगूंगा और इसको नहीं इससे ज़्यादा नहीं खिलाऊंगा। इधर जो दिख रहा है ना, हम लोग इसमें जाएंगे, इसका है कि इसमें तेल भी कम लगेगा। अभी हम लोग पहुँच गए पेट्रोल पंप पर, यहाँ से पेट्रोल भरते हैं। 150 का भरेंगे, 150 में हो जाएगा, काहे कि माइलेज वाला गाड़ी है, बहुत खतरनाक है। उधर जो सामने चौक दिख रहा है ना, वो है कठिटार चौक, और इधर जाइएगा तो पिस्का मोड़, और इधर कुड़ू, और सीधे जाएंगे तो पिठोरिया ठाकुर गांव। तो इधर पिस्का मोड़ से आगे रांची पड़ता है हम लोग की राजधानी, तो हम लोग को जाना है इधर, तो चलिए चलते हैं। और अभी जो दिख रहा है यह रातू पार्क, देखिए बच्चा सबका खेलने के लिए बनाया गया है इसमें। और इधर जो साइड में दिख रहा है यह रातू का तालाब, जो गर्मी में अभी लगभग सूख ही जाएगा, तो हम लोग को जाना है सीधे। और आगे दिखाते हैं क्या क्या दिखता है। अभी हम लोग जा रहे हैं महल, रातू राजा का महल। तो गेट तो बंद है कि खुला है नहीं पता, सामने से जाके देखते हैं। और आप लोग को अगर दिखाने सकूंगा तो दिखाऊंगा, नहीं दिखाने सकूंगा तो माफ़ कर दीजिएगा मुझे। मैं अपना गांव जा रहा था राशन लाने, मैं सोचा कि आप लोग को मेरा गांव जाते हुए क्या क्या दिखता है उस सबको दिखाते चलो। तो ये है रातू राजा का महल, देखिए बाहर से कैसे दिखता है। और अंदर उधर गए, उधर दरवाजा के पास गार्ड साहब बैठे हुए हैं, तो लोग से पूछते हैं कि घुसने उसने देते हैं कि नहीं, तो देंगे तो मैं दिखाऊंगा क्या क्या है सामने। तो पहले पूछ लेता हूँ बाहर से, थोड़ा सा यहाँ से। तो अभी जो आप देख पा रहे हैं रातू राजा का महल, और ये वाला जो है सामने ये वाला कुआं है, पता नहीं पानी है कि नहीं यहाँ पर। और यहाँ पर काम धाम सब चल रहा है, इसको मरम्मत हमेशा हर साल करते रहता है, काहे कि इसको सुंदरता रखना भी जरूरी है, काहे कि हम लोग का इतिहास का जगह है। ये जो महल दिख रहा है दशहरा में पूरा घूमने का फिरे है, अभी तो अंदर घुसने के लिए गार्ड साहब मना किए हैं, इसलिए नहीं घुसेंगे अंदर। ये जो दिख रहा है ना, ये वाला तोप है, ये बाहर है ना था रात भर सर। हाँ ये बोल रहा है कि सर बोल रहे कि रात भर बाहर ही रहता है। ये जो दिख रहा है ना, ये पूरा लोहा का बना हुआ है, और यहाँ चारों तरफ में लोहा का चक्का लगा हुआ है। इसको ढकल के ऐसे ढकल भी सकते हैं, लेकिन नहीं ढकलाएगा अभी, कहा कि जाम हो गया है। तो चलिए चलते हैं, इधर एक है और उधर भी एक है, उधर कम से कम 20 किलोमीटर के सफर तय करते हुए मैं पहुंच चुका हूं अपना गांव राशन लेने, ये राशन कार्ड थैला। और चलिए दिखाते हैं क्या क्या मिलता है यहां पर। तो आदमी सब ज़्यादा आज भीड़ नहीं है, कम भीड़ है, क्योंकि जब भीड़ कम रहता है उसी टाइम हमको स्पेशल आदमी है, हमको बुलाता है कि आओ आज कम भीड़ है, क्योंकि हमको दूर से आना पड़ता है ना इसीलिए। तो चलिए दिखाते हैं, मैं कार्ड जमा कर चुका हूँ और इधर भीड़ है, तब तक बैठते हैं, मेरा भी नंबर आएगा। मैं मेरा दोस्त के साथ राशन उठाने आया हूँ, अभी तो कार्ड जमा कर दिया हूँ, लाइन मेरा नंबर नहीं आया है। तब तक मेरा दोस्त बोल रहा है कि चल भाई खिला, मतलब इसको लेके आते हैं ना हमेशा खिलाने के लिए ही बोलता है, जितना का नहीं खिलाता है ना उतना का बोल देता है, इसलिए चले खिलाइए। तो मुझे राशन मिल चुकी है, और ये बोरा में है चावल, ये वाला बोरा में, ये पीला वाला बोरा में चावल है, और इसके अंदर है ये हमको एक कैलेंडर दिया गया है, कैलेंडर ये हम लोग का देखिए कि कौन है, पता है ना, झारखंड का राष्ट्रपति। अरे नमक दिया है हम लोग को, देखिए नमक, ये इसमें भी लिखा है झारखंड नमक, इसको अच्छा ही लगता है खाने के लिए, हम लोग इसी को खाते हैं, टाटा वाला नमक बहुत कम है।
कहे कि जब ख़त्म हो जाता है उसको लेते हैं। आपको दिखाते हैं कि चावल का क्वालिटी कैसा, दिखाओ फिर सामने से। देखिए कैसा है, ये छोटा छोटा दाना ही, उतना मतलब जो महंगा वाला चावल है उसका जैसा नहीं है, लेकिन खाने के लिए ठीक ही लगता है, आदत है तो इसी खाते हैं हम लोग। तो चलिए चलता हूँ अब घर, हो गया मेरा काम। तो चलिए, मेरा गांव का रोड देखिए कुछ ऐसा है, क्या करें, मैं बड़ा आदमी बनूंगा तो बना दूंगा, लेकिन अभी मैं गरीब हूँ। राशन लेके मैं अपने गांव से घर आ गया हूँ। इस थैला में 3 पैकेट नमक है और उसमें लगभग 25 किलो चावल होगा। तो आप लोग सोच रहे हैं कि 150 रुपया तेल जला के उतना दूर जाना क्या है, क्या जरूरी है, लेकिन 25 किलो चावल इधर लगभग 30 रुपया केजी ऐसा लेता है, तो 25 किलो में कितना पड़ जाएगा, 150 लगाया कितना बच गया, और फिर ये वाला आ गया। मुझको मेरी माँ सुबह 5 रुपया दी थी, तो उससे लगभग 200 रुपया खर्चा हो गया, 150 रुपये का तेल भरे और 50-10-20 मिला के खाए हैं, तो 300 रुपया बचा है, इसको दे देते हैं उधर। चावल ला दिया हूँ और मेरी माँ बोल रही है कैसा चावल है, इसको देखते हो कैसा है, बहुत छोटा छोटा है। इससे पहले वाला राशन दिया था वो वाला ठीक था, ये वाला थोड़ा सा पता नहीं कैसा वाला दिया है बोल रही है। तो इसको तो पका के खाएंगे तब ना पता चलेगा कैसा, ऐसे तो स्वाद ही लगता है। देख कैलेंडर दिलाओ, हेमंत सरकार ये है, ये है तो क्या अमीर रे बना थी, क्या है क्या जानी सला नहीं जानी सला ठीक तो जाने से भी मतलब नहीं है। इधर जो दिख रहा है इसमें हम लोग भिंडी लगाए हैं, इसमें इधर वाला ये वाला में भिंडी, और मेरा भाई उधर बाउंड्री कर रहा है, कहा है कि उधर से बकरी घुसता है, भाई और बाबा दोनों जन मिल के बाउंड्री कर रहे हैं उधर। और हम लोग खीरा लगाया था इधर, ये वाला देखिए बढ़ गया है एकदम। अभी आप जो दिख रहे हैं इसमें हम लोग करेली लगाए, कहा करेली लगा रहे नहीं, इसमें करेली लगाए हैं, तो ये नया नया लगाए हैं अभी, इसलिए इसको पानी दे रहे हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगला ब्लॉग में, कैसा लगा बताइएगा, चैनल पर नया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब।